हेलो एवरीवन माय नेम इज करण मशरू वेलकम टू दिस वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल गोड फोर्सेस राउंड 135 डिवीजन टू का प्रॉब्लम बी दैट इज बेस्ट कम्यूटेशन सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन बेस्ट कम्यूटेशन लेट्स डिफाइन द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेशन पी ऑफ एन इंटीजर्स वन टू एन एज फॉलो ठीक है तो सबसे पहले तो कम्यूटेशन पी ऑफ साइज एन की वैल्यू नीचे डिफाइन की गई है अब पॉम्यूटेशन पी ऑफ साइज एन का मतलब क्या होता है कि उसमें वन से लेकर एन तक सारे इंटीजर्स एग्जैक्टली exactly एक बार अकर करेंगे इन एनी ऑर्डर दैट इज अ पॉम्यूटेशन पी ऑफ साइज एन ठीक है तो इस पॉम्यूटेशन की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी अगर हमें एक पॉम्यूटेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो है कि इनिशियली एक इंटीजर एक्स होगा जिसकी वैल्यू हम जीरो रखेंगे फिर हम से लेके एन तक ट्रावर्स करेंगे अगर किसी पॉइंट पे इफ इज पेस पी आई ठीक है तो उस स्टेप पे हम x की वैल्यू जो है उसमें pi को ऐड कर देंगे अगर किसी पॉइंट पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू pi हुआ मतलब एल्स तो x की वैल्यू को सीरो कर देंगे और ये लूप हम i इक्वल टू वन टू एन रन करेंगे जो कि क्वेश्चन में नीचे दिया गया है n स्टेप्स में ठीक है और फाइनल में जब हम लूप के बाहर निकलेंगे तो एक्स में जो वैल्यू होगी वही हमारी इस परम्यूटेशन की वैल्यू कहलाएगी ठीक है द वैल्यू ऑफ द परम्यूटेशन इज एक्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ठीक है फॉर एग्जाम्पल दॉम्यूटेशन ऑफ साइज एन फोर फाइव वन टू थ्री सिक्स इसमें एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी सबसे पहले जीरो होगी

5 is less than 6. So, again, 6 would be added to 5. So, the final value of x is 11, which is also the value of the permutation p of size n. x changes as follows 0490, 0490, 0, 0, 4, 2511. So, the value of the permutation is 11. यू आर गिवन इंटीजर एन फाइन पॉमिटेशन ऑफ साइज एन विथ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इफ मल्टीपल सच पॉम्बिटेशन एग्जिस्ट प्रिंट एनी ठीक है तो अब हमें इनपुट में एन दिया गया है और एन के टोटल एन साइज के फैक्टोरियल एंड पोमिटेशन हो सकते हैं मतलब कि एरे ऑफ साइज एन विच हैज ऑल द वैल्यूज फ्रॉम वन टू एन इन एनी ऑर्डर टो टोटल फैक्टोरियल एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें से जो परमिटेशन हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देता है मतलब कि एक्स की वैल्यू जो फाइनल हमें यहां मिलती है आप समझ सकते हो जैसे जैसे परमिटेशन चेंज होगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो जो पमिटिशन फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स मैक्सिमम देता है वो पर्मिटिशन हमें प्रिंट करना है अगर मल्टीपल सर्च पम्यूटिशन पॉसिबल है तो कोई भी एक प्रिंट करना है इनपुट किस तरह से दिया गया है फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस में एक इंटीजर एन दिया गया है आउटपुट में हमें पर्मटिशन विच विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स हमें प्रिंट करना है आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं तो so, अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स जिसमें एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनी वेयर बिटवीन फाइव एल पी अपू फोर्टी एल पी ए तो स्टूडेंट्स हुआ प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक जोमेटो अन एकेडेमी एक्सेट्रा ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है विच मीन्स दैट जब तक आपको फाइव एल पी ए या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है

प्रिंट करना है कि इस परम्यूटेशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी राइट अब वैल्यू कैसे निकालते हैं एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में तो दिखा ही था इनिशियली जैसे कि ये हमारा p1 p2 अप टू pn है तो इनिशियली x वेरिएबल की वैल्यू जीरो रखेंगे फिर i इक्वल टू वन टू एन ट्रावर्स करेंगे ठीक है अगर किसी पॉइंट पे x की वैल्यू लेस देन pi है तो x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस पी आई मतलब कि ये अगर पर्म्यूटेशन को मैं अरे p नाम देता हूँ तो आई थे एलिमेंट और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी आई है तो x को हम जीरो असाइन कर देंगे तो फाइनल जो x की वैल्यू होगी आफ्टर इटरेटिंग थ्रू ऑल दी एलिमेंट्स वही हमारी वैल्यू हो जाएगी उसको हमें मैक्सिमाइज करना है ऐसा पर्मुटेशन प्रिंट करना है तो एक बात समझो हमें यह तो क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट एलिमेंट जो होगा वो हम ऐसा मतलब कॉम्यूटेशन हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि लास्ट एलिमेंट एक्स में ऐड होगा क्योंकि हर एक इंडेक्स पे दो ही चीज होगी या तो वो एलिमेंट एक्स में ऐड होगा या तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी नाउ ऑब्वियसली वी डोंट वॉन्ट कि लास्ट पोजिशन पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो फाइनल आंसर भी एक्स का जीरो हो जाएगा इट मीनस दैट लास्ट एलिमेंट पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हम एक्स में ऐड करेंगे ठीक है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारे पोमिटेशन तो जनरेट नहीं कर सकते वो टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा सो दीज आर माय एन पोजीशंस। लास्ट पोजीशन पे सपोज एलिमेंट आई है वेयर आई इज बिटवीन 1 एंड एन राइट बिकॉज पोमिटेशन ऑफ साइज एन है नाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ आई वॉन्ट दिस एलिमेंट टू बी एडेड इन एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स टिल यर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्टर इंडेक्स एन माइनस वन शुड बी लेस देन आई इट मीन दुड बी लेस देन और जो भी होगा यहां से लेके यहां तक ट्रावर्स किया कुछ पोजिशन पे वैल्यू एड की कुछ पे एक्स को वापस जीरो कर दिया फिर वापस एड किया एनीथिंग फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया दैट लास्ट पोजिशन पर अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्स तो की वैल्यू जीरो हो जाएगी बट वी वॉन्ट एक्स टू बी मैक्सिमम सो लास्ट पोजीशन पे हमें ऐसा चाहिए कि वो एक्स में ऐड हो जाए इतना क्लियर था अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्टेप पे लास्ट स्टेप पे एक्स में वैल्यू ऐड हो जाए तो आफ्टर आई इटरेट थ्रू एन माइनस वन पोजिशन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस आई माइनस वन यहाँ से लेके यहाँ तक इटरेट करने के बाद एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई माइनस वन होनी चाहिए नाउ लेट सपोज कि मुझे एक्स मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मेरा जो मेरी ट्राई होगी वो क्या होनी चाहिए कि यहां पे इसको इट्रीट करने के बाद एक्स की वैल्यू आई माइनस वन हो क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगी तो यहां पे एक्स जीरो हो जाएगा और अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज एक्स इक्वल टू आई प्लस वन जिससे कि मेरी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आई माइनस वन प्लस आई विच इज टू आई माइनस वन ओके नाउ वॉट कैन बी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई यहां तक अगर x की मैक्सिमम वैल्यू i माइनस वन होनी चाहिए और यहां पे i होनी चाहिए इसका मतलब दो कंजीक्यूटिव तरह से सोचे तो तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ दिस x x दैल्यू मैक्सिमस वन प्लस एन बाइ सब्सूटिंग आई एन सो नाउ हमें ये क्लियर हो गया है कि आउट ऑफ दी एलिमेंट्स लास्ट टू पोजिशन पे एन माइनस वन और एन आएगा ठीक है अब एक बात समझो हमने क्या डिफाइन किया है दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी टू एन माइनस वन ये हमने अभी तक डिराइव कर लिया है बट फॉर दैट टू हैपन यहां पे जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो हो जानी चाहिए एट एन माइनस टू पोजिशन समझ रहे हो आप वाई बिकॉज यहां पे मान लो अगर ये जो पोजिशन पे वैल्यू है वो मान लो मैंने एक्स में एड कर दी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पी आई तो अब क्या होगा दिस पी आई इज बिटवीन वन n एन माइनस टू दैट पी आई प्लस एन माइनस वन वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन तो लास्ट वैल्यू एड नहीं होगी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी सो इन ऑर्डर टू एड दिस टू एलिमेंट्स यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए ठीक है और यहां पे जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी देन यहां पे एक्स की वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगी और यहाँ पे एन माइनस वन इज लेस देन एन सो अगेन एन विल बी एडेड सो फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी टू एन माइनस वन विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए ठीक है इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट है अब हमें ऐसा परम्यूटेशन बनाना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए ठीक है तो इसका एक ईजी वे आउट क्या हो सकता है अगर मैं सोचू अगर मेरा एन ईवन है फॉर एग्जाम्पल एट एलिमेंट्स है तो मैं क्या करूंगा सेवन और एट की तो पोजिशन फिक्स हो गई यहां पर मुझे एक्स जीरो चाहिए तो मैं क्या टारगेट करूंगा कि दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस फॉर एग्जाम्पल सिक्स टू फोर वन फाइव थ्री इससे क्या होगा हर एक इवन पोजिशन पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू सिक्स सिक्स इज लेस देन टू एक्स इक्वल टू जीरो नाव यहां पर जीरो हो गई तो यह वैल्यू एक्स में एड हो जाएगी सो एक्स इक्वल टू फोर नाउ फोर इज ग्रेटर वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी अगेन एक्स इज जीरोक्वल टू फाइव नाउ फाइव इज ग्रेटर देन थ्री तो यहां पर एक्स की वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी इससे क्या होगा नियर एक्स वुड बी इक्वल टू सेवन एंड इन द लास्ट स्टेप एक्स वुड बीवल टू फिफ्टीन सो हमें यह समझ में आ गया कि Even elements के लिए हमें क्या चाहिए ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर स्मॉलर एंड में सेवन और एट फॉर एन इक्वल टू ईन ठीक है हाँ. तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? अगर मेरा एन तो बेस्ट तरीका क्या है यहां पे एन माइनस वन रख दो यहां पे एन रख दो ठीक है नाउ स्टार्टिंग से लेके हम कैसे रखेंगे टू वन फोर थ्री सिक्स फाइव एंड सो ऑन ठीक है यहां पे अगर बीच में एलिमेंट है तो टू वन फोर थ्री ऐसा हम करके एक फोर लूप में एन माइनस टू तक की सारी वैल्यूज फिल कर देंगे तो हर एक पोजिशन पे ये वैल्यू एड होगी ये जीरो हो जाएगी ये एड होगी ये जीरो हो जाएगी बाई द टाइम वी रीच ईयर एक्स की वैल्यू जीरो होगी और ये दोनों एड हो जाएंगे एंड एनवर आंसर वुड बी टू एन माइनस वन इसका इंप्लीमेंटेशन काफी इजी है मैं सॉल्यूशन कोड कमेंट्स में दिया गया है सो एन इक्वल टू ईवन तो हो गया एन इक्वल टू ऑड के लिए कुछ सेम सोचना पड़ेगा सो एन इक्वल टू ऑड के लिए मैं क्या सोचूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन यहाँ पे एट यहाँ पे नाइन बाई द टाइम वी रीच यर वी वॉन्ट एक्स इक्वल टू जीरो सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन टेक वन ईयर नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इन टू एन इक्वल टू ईवन कैन यू सी दैट अब एन इक्वल टू एट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया सो वट वी कैन डू नाउ थ्री टू फाइव फोर सेवन सिक्स सो वट विल हैपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे एक्स की वैल्यू फोर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो फिर एक्स की वैल्यू फाइव फिर एक्स की वैल्यू जीरो फिर एक्स की वैल्यू सेवन फिर एक्स की वैल्यू जीरो आप समझ रहे हो हरेक ये पोजिशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती गई सो बाय द टाइम वी रीच हियर एक्स वुड बी इक्वल टू जीरो एंड देन एट प्लस नाइन और आंसर वुड बी सेवेंटीन ठीक है सो एन और इवन और ऑड में सिर्फ यही फर्क है पहले यहाँ पे वन रख देंगे फिर आई इक्वल टू थ्री टू एन माइनस वन इटरेट करेंगे और आई प्लस टू करेंगे हर बार और आई और आई माइनस वन प्रिंट करेंगे जैसे कि थ्री टू फाइव फोर एंड सो ऑन यहाँ पे i इक्वल टू टू से लेके लेस देन एन तक इटरेट करेंगे हर बार i प्लस टू करेंगे और टू वन फोर थ्री मतलब i और i माइनस वन प्रिंट करेंगे एंड में एन माइनस वन और एन प्रिंट कर देंगे इससे दे हमें मैक्सिमम सम टू एन माइनस वन मिलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बी गो ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इन टू एन जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड काफी ईजी है मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू